सर जैसे एलडीएल अगर आपका बढ़ता है सो आउट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल तो घटता ही है, लेकिन एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ता है व्हेन यू आर ऑन पीडीज, मोस्टली एलडीएल आई कैन से बिकॉज योर हिपेटोसाइट्स गेट अफेक्टेड व्हेन यू आर ऑन ओरल्स, और आपके पीसीएस के 9 जैसे एंजाइम्स है उसके ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट पाया गया। तो सर मुझे आपको ये पूछना था कि अगर कोई स्टैटिन यूज करना चाहता है फॉर देयर हाई एलडीएल, सो डू यू रेकमेंड दिस यूजिंग स्टैटिन्स व्हेन व्हेन पीपल आर ऑन पीडीज, नो क्योंकि सर स्टैटिन प्रेप कोचेस विदाउट थिंकिंग विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज मैंने देखा हुआ है काफी हेवी डोसेजेस दे देते हैं स्टैटिन्स के, जबकि मैंने उसके साइड इफेक्ट्स देखे काफी सारे देखे, इट गिव्स यू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट विल समहाउ अफेक्ट योर मसल ग्रोथ, इट विल अफेक्ट योर कोक्यूटेन लेवल्स ऑल्सो, सो आपका इसके बारे में क्या कहना है? इज एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बहुत ही यूजलेस मेडिसिन है और डेंजरस मेडिसिन है। वो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इवन टू प्रिवेंट अ हार्ट अटैक। एक बट इट्स जस्ट कि थोड़ा सा मान लीजिए पीपल आर फॉलो कर रहे हैं सालों से तो वो दी जाती है। बट इन दिस केस यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टैटिन इज वेरी टॉक्सिक टू योर लिवर, इट इज वेरी टॉक्सिक टू योर हार्ट लिवर स्पेशली एंड टू योर मसल्स। मसल्स और लिवर के ऊपर वो बहुत ज्यादा बुरा असर करती है। सो ये स्टैटिन लेने का कोई लॉजिक नहीं है। इसके लिए ही हम जो डाइट है उसको क्लीन रखते हैं, बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, फाइबर्स लेते हैं। दोज आर द थिंग्स विच विल हेल्प प्रिवेंट दिस हाई कोलेस्ट्रॉल स्पाइक। इससे ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमको नहीं बढ़ाने, लेकिन वही चीज हमें 3 वीक्स में हम कन्वर्ट चेक करते हैं। 3 वीक्स ऑफ जब पीएडी हम लेते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि हाँ कितना बढ़ गया, राइट? वो इसीलिए करते हैं कि भाई हमें क्या हम डोज बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, व्हाट इज द स्टैटिन लेवल्स, व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, उनका बीपी कितना है, पल्स कितना है, उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। सो आई व्हाट आई मीन टू से दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें आपको बीच में मॉनिटरिंग करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं मॉनिटरिंग करोगे तो आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई मेजर साइड इफेक्ट आना ही है। वो किस्मत कई लोग ऐसे हैं जिनको कई साइकिल से मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया या वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल उस पे भुगतते हैं। सर एलडीएल अगर नॉर्मली जो कहा जाता है इट शुड बी लेस देन 100, बट अभी रिसेंटली जो मैंने रिसर्चेस पढ़े हैं दे रेकमेंड इट इट शुड बी लेस देन 70, और खास करके जब बॉडी बिल्डर्स का एचडीएल डाउन हो और इंफ्लामेशन इज मोर इन देयर बॉडीज व्हेन दे आर ऑन पीडीज, और उसी के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ हाई डोसेज ऑफ एचजीएच हो, तो आपके हिसाब से वो हायर साइड ऑफ एलडीएल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम किसके मतलब सेफर टू बी ऑन सेफर साइड? देखो वो वाला जो आप रिसर्च बोल रहे हो 70 वाला, दैट इज नॉट फॉर एनी पीडीज, दैट इज फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव अ हार्ट डिजीज। यस हु यस यस ऑलरेडी हैव अ हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, उनका एंटीप्लेटलेट्स चल रहे हैं और उनका हार्ट डिजीज को हम प्रोग्रेस करने से रोकना चाह रहे हैं या उसको थोड़ा बहुत रिवर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए 70 का टारगेट रखते हैं कि 70 से नीचे ले जाने पर अगर 70 के नीचे एलडीएल रहता है तो 10-20% तक आपका ब्लॉकेजेस जो है, थोड़ी बहुत जो सॉफ्ट क्लॉट्स हैं वो खुल सकते हैं, वो थोड़े आ सकता है नीचे। बट क्वाइट फ्रैंकली पीपल हु आर इन अ लो कार्ब डाइट दे हैव दिस काइंड ऑफ अ लेवल विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, इवन बॉडी बिल्डर्स, इवन आफ्टर यू नो इट डिपेंड्स हाउ डाइट सबसे बड़ा है क्वाइट फ्रैंकली। एंड द सेकेंड थिंग, अगर एलडीएल बढ़ता भी है इट इज नॉट रियली द प्राइमरी रीजन फॉर अ हार्ट अटैक, ये याद रखिए। एलडीएल आपका अगर नॉर्मल है भी, 70 के नीचे है भी, तब भी आपको अटैक आ सकता है, और एलडीएल आपका बहुत ज्यादा हाई 140 भी है तब भी आपको अटैक आ सकता है। बट यस, रिस्क हम ये मानते हैं एलडीएल अगर किसी का 180 के ऊपर है देन ही डेफिनेटली नीड्स मेडिसिन। 180 और 200 उसके ऊपर हम नहीं रखना चाहते कंटिन्यूअसली, दैट इज लाइक टू हाई लेवल। ओके, सो एलडीएल इज वन और ट्राइग्लिसराइड, अगर ट्राइग्लिसराइड मोर देन 400-500 हो, 400 मान लो, 400 के ऊपर जा रहे, सो दैट कैन लीड टू एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस।
बिकॉज पैनक्रियाटाइटिस वो लीड कर सकता है, सो दैट नीड्स मेडिसिन. एंड एलडीएल अगर वो 180 के ऊपर है, दैट डेफिनेटली नीड्स मेडिसिन. सो बिलो दैट यू हैव टू असेस कि व्हाई इज इट हाई. क्या वो लाइफस्टाइल खराब है, डाइट खराब है, फाइबर नहीं ले रहे, व्हाट एवर द रीजन, यू हैव टू करेक्ट दैट एंड सी फॉर अ मंथ और फॉर टू मंथ्स यू कैन चेक एंड यू कैन डिसाइड कि हाँ इसको मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं. दैट्स व्हाई प्री साइकिल भी वो टेस्ट होना चाहिए, मिड साइकिल भी होना चाहिए और पोस्ट साइकिल भी होना चाहिए. ओके थैंक यू सर. सर अभी